तो मैं राज और आप लोग को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि बहुत सारे इंडक्शन कुकटॉप में आपने देखा होगा कि यहां पे आईजीबीटी जब ख़राब होता है तो यहां पे ट्रांजिस्टर वे सिमडी पैकेज में हो या दोस्तों डीप पैकेज में एक ख़राब हो जाती है। उसके बाद आपने आईजीबीटी लगाते हैं, आईजीबीटी लगाने के बाद मेटल सेंस नहीं करता है। तो दोस्तों मैंने यहां पे आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे कंफर्म करेंगे कि आपका इसमें से ट्रांजिस्टर जो है 4 या 5 ट्रांजिस्टर है ये सेक्शन सही है कि नहीं है। अगर मान लो उसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों देखिए मैंने इसमें आईजीबीटी लगाया, यहाँ पे दोस्तों ट्रांजिस्टर को भी मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पे ड्राइव नहीं आ रही है, आईजीबीटी के गेट पे ड्राइव नहीं आ रही है। अब ड्राइव कैसे नहीं आ रही है, तो मेटल को सेंस नहीं करिए तो इसका मतलब ड्राइव नहीं आ रही है। तो कन्फर्म करने के लिए कि हमारा जो यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर है ये डीप में लगा हुआ है, उसके बाद ये ड्राइव सेक्शन में 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर तो कोई ख़राब नहीं है या दोस्तों कोई रेजिस्टेंस तो ओपन नहीं है, इसको कन्फर्म करने के लिए मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल तैयार किया हूँ। मॉड्यूल में दोस्तों यहाँ पे देखना है, सबसे पहले आपको मैं जब इसका कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा। इसमें 2 वायर यहाँ पे है दोस्तों, एक आपका ब्लैक है एक आपका रेड है। ओके, इसमें आपका ग्राउंड देना है और रेड वाले को दोस्तों 5 वोल्ट देना है। ओके, ग्राउंड और 5 वोल्ट देना है। 5 वोल्ट दोस्तों 7805 के आउटपुट से दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे 3 वायर है, एक दोस्तों रेड है एक दोस्तों ब्लैक है, ब्लैक का भी काम नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक येल्लो है, येल्लो को दोस्तों क्या करना है आपके आईजीबीटी के गेट पे देना है। ओके, कहाँ पे देना है, आईजीबीटी के गेट पे देना है। और रेड को क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये जो ट्रांजिस्टर का बेस होता है एनपीएन, ये माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ पे इस पिन से समझ लो 1, 2, 3 नंबर पिन से पल्स जा रही है। इस रेजिस्टेंस को आपको ओपन करना है, किस रेजिस्टेंस को, जो माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इसके बेस पे दे देना है। ओके, इसके बेस पे देना है, जैसे मैंने बेस पे दे दिया है यहाँ पे। अब इसको सप्लाई दूंगा मैं तो ये एलईडी ग्लो होगा और यहाँ पे 18 वोल्ट आएगा, इसका मतलब आपका ट्रांजिस्टर यानी ड्राइव सेक्शन सही है। वो कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले सप्लाई दिया, यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि आपका आ रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, ये ड्राइव को ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो बंद हो जाएगा। ओके, तो जैसे इसको मैं देता हूँ इसके बेस पे तो आपका एलईडी ग्लो हो जाएगा, ये देख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब आपका ड्राइव सेक्शन सही है और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। इसका कंप्लीट वीडियो दोस्तों मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा और कंप्लीट आपको बता भी दूंगा, इसको कैसे बनाना है वो भी बता दूंगा। अगर नहीं बना पाओगे तो ओनली फॉर दोस्तों कम प्राइस में आपको बना बनाया दे दूंगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।